पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों में शामिल हैं कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, ये परफॉर्मेंस को किस तरह एनालाइज करेंगे पाकिस्तान की कि हम वनडे सीरीज जीत गए, टी ट्वेंटी में व्हाइट वॉश हो गया? बिल्कुल, आई थिंक हमारे जितने भी प्लेयर जो गए हैं वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे। दूसरी बात यह है कि टी ट्वेंटी में हम टी20 में हारे ना, जो क्वींसलैंड में और सिडनी में जी, तीनों मैच हारे। आई थिंक टी20 के जितने भी प्लेयर गए थे दे वर नॉट एक्सपीरियंस इनफ। ये तो यहाँ पे PSL वगैरह जो क्लब लेवल क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं वो आ गए, वहाँ पे वहाँ की पिचेस के ऊपर उन्होंने कभी खेला ही नहीं है, और पांच पांच छह छह मैचेस, दस दस मैचेस खेलने के बाद वो इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? चाहे वो टी20 हो, कैसे भी हो, ये उन्होंने यहाँ पे जो रन किए हैं वो नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए कोई भी अपनी T20 के लिए, इतनी जल्दी टीम को डिक्लेयर करनी कि ये प्लेयर हमारे होंगे T20 के लिए। ठीक है सर, ब्रेक में आना, लेकिन जाने से पहले अभी कल से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है, इसमें आप क्या चांसेस देख रहे हैं दोनों टीमों के? और दूसरी तरफ एक और सवाल भी पैदा होता है कि हम क्यों इस तरह की ट्रॉफीज को अपने लेजेंड्स के नाम से मौसूम नहीं करते, हम क्यों मोहम्मद चैपल ट्रॉफी नहीं कराते, हम क्यों जो है वो फजल महमूद और इस तरह के जो जेफ थॉम्सन या डेनिस लिली ट्रॉफी हम नहीं कराते? जी बिल्कुल, आई थिंक ये तो होना चाहिए, वेस्ट इंडीज वाले कराते हैं, विवियन रिचर्ड का होता है, ब्रायन लारा की ट्रॉफी होती है, हेडली के नाम से होती है, हेडली चैपल सीरीज है? नहीं, एग्री नहीं करता मैं, हेडली के नाम से होती है, रिचर्ड हेडली के नाम से। किसके? रिचर्ड हेडली। रिचर्ड हेडली के नाम से जो ट्रॉफी होती है वो भी मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम तो ये आती है कि हर एक दूसरे एक साल के बाद या छह महीने के बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है, तो कौन सा चेयरमैन, कौन सी चीज, जो भी चेयरमैन नया आता है और जो पिछले चेयरमैन ने जो एक्शन लिए होते हैं उसको वो चेंज कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा।